Hello guys, welcome or welcome back to my channel. I am Muskan and I hope you all are safe and during dates. If you're watching my video for the first time, please take a moment to subscribe my channel and don't forget to hit the bell icon for my videos prior notification. Hey guys, so today's video topic is that which mark or scar should I declare and which marks and scar I should not declare. इसका मतलब ये है कि हमें जब हम कैबिन क्रू के इंटरव्यू में जाते हैं सो हमें उस टाइम पे कौन से स्कार्स और मार्क हैं जो हमें डिक्लेयर करने चाहिए, जो हमें बताने चाहिए कि हमारे यहाँ पर है, मतलब कौन जो बॉडी पार्ट्स में जहाँ जहाँ है वो हमें बताने चाहिए और कौन से ऐसे मार्क्स हैं जिनको हमें डिक्लेयर नहीं करना चाहिए. सो ये वीडियो थोड़ा सा मैंने इससे पहले कभी नहीं डाली है, मैं फर्स्ट टाइम डाल रही हूँ. सो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एंड तक देखिएगा. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो. गाइस, हमारे बॉडी में बहुत टाइप के मार्क्स होते हैं. कुछ होते हैं जो यू नो बर्थ मार्क होते हैं, कुछ होते हैं और भी हमारे साथ जब हम पैदा होते हैं तो हमारे बॉडी में बर्थ मार्क के अलावा भी बहुत से मार्क होते हैं जो हमारे बॉडी पे होते हैं. एंड फिर कुछ मार्क्स ऐसे होते हैं कि जो हम जब छोटे होते हैं खेलते खेलते हमें उस टाइम चोट लग जाती है, पाँव में जैसे घुटनों में लग जाती है, हाथ पे हमारे लग जाती है. फिर कुछ मार्क्स ऐसे आते हैं जो मतलब हमारे कभी कभार गलती से या तो बर्निंग मार्क हो गया, और भी बहुत टाइप के मार्क्स हैं. उसके बाद जिन लोगों के माइंड में कैबिन क्रू बनने का ड्रीम आता है तो उनके लिए ये एक चीज़ सोचने वाली बात हो जाती है कि यार हमारे बॉडी पे यहाँ मार्क है, हमारे फेस पे यहाँ पे मार्क है, क्या हमें एयरलाइन को बताना चाहिए या फिर नहीं बताना चाहिए. सो ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए इसलिए बना रही हूँ ताकि एक होता है ना कि जब आपको कोई समझाता है तो आपको एक थोड़ा मोटिवेशन सा और आपको एक रिलैक्स फील होता है कि ठीक है मैं ऐसा कर सकती हूँ और अगर मैं नहीं करना चाहती हूँ तो इसका भी एक ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन मेरे पास है. सो आज की वीडियो इसी सब चीज़ों पर होने वाली है. सो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियो. एंड ऑल्सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा एंड हियर इज माई इंस्टाग्राम हैंडल, प्लीज़ गो एंड फॉलो मी देयर. ओके गाइस, तो सबसे पहले हम उन मार्क्स की बात कर लेते हैं जो कि आपके हिडन मार्क्स होते हैं. तो हिडन मार्क्स आपके कहाँ पे आते हैं? सो सबसे पहले आपको क्या चीज़ देखते हैं कि आप जिस भी एयरलाइन के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं सबसे पहले आप देखें कि उनकी यूनिफॉर्म कैसी है, उनकी यूनिफॉर्म आपके बॉडी के कौन कौन से पार्ट को कवर करती है. सो आपके हिडन मार्क्स कुछ इस टाइप के मार्क्स होते हैं जो कि आपके यहाँ पर आते हैं, आपके बैक पे आते हैं एंड आपके बॉडी के जहाँ पे आपका यू नो स्टमक एरिया है एंड देन आपका थाई एरिया है, आपका बैक एरिया है एंड आपका इतना हम स्लीव्स एरिया ले लें. सो ये कुछ ऐसे पार्ट है जो कि आपके हिडन पार्ट होते हैं. एंड देन हम अपने फुट की बात कर लें तो ये कुछ पार्ट होते हैं जो कि आपके हिडन पार्ट होते हैं. नेक के पीछे की गर्ल्स के बाल बड़े होते हैं तो वो चीज़ नहीं विजिबल रहती बट बॉयज़ की विजिबल रहती है. सो ये होते हैं हिडन मार्क्स जिनको आप नहीं भी डिक्लेयर करेंगे तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये मार्क ऐसे हैं जो कि एयरलाइन को नहीं दिखेंगे अगर आप इंटरव्यू भी देने जाएंगे, बिकॉज ये एक बॉडी मतलब यू नो ये क्लोथ से कवर रहता है. ये आप एयरलाइन में क्रू भी बन जाएंगे उसके बाद भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप इसको नहीं डिक्लेयर करते हैं. एंड आई विल सजेस्ट कि नेवर डिक्लेयर दोज काइंड ऑफ मार्क्स एंड स्कार ऑन योर बॉडी बिकॉज इसका कोई रीज़न नहीं है. एंड कई बार ये होता है कि जब हम बता देते हैं किसी चीज़ को हम कुछ ज़्यादा ही ऑनेस्ट हो जाते हैं तो वो चीज़ बाद में हमारे लिए ही सही नहीं होती है. सो दैट्स वाई आई ऑलवेज सजेस्ट कि डोंट डिक्लेयर लाइक सच काइंड ऑफ स्कार्स एंड मार्क्स विच आर हिडन. एंड नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दी मार्क्स विच यू गॉट ऑन योर हैंड. लाइक आपकी इतने एरिया में होते हैं जो कि विजिबल पार्ट है, इतने एरिया में है एंड देन आपके ये फेस पे है या फिर जो भी सर पे है एंड देन आपके लेग्स में है, जो भी आपका लेग का विजिबल पार्ट है. वैसे लेग्स पे जब आप स्टॉकिंग्स पहनते हो तो कवर हो जाती है तो लेग्स का कोई टेंशन नहीं है, बट हाँ अगर टैटू होता है तो वो विजिबल रहता है. मैं आपको लेग्स के लिए एक ऑल्टरनेटिव देती हूँ कि जब भी आप स्टॉकिंग्स पहने मेक श्योर कि उस कवर जो भी जहाँ जहाँ आपको मार्क या फिर स्कार है वहाँ पे फाउंडेशन और कंसीलर अच्छे से अप्लाई करके देन आप अपना स्टॉकिंग्स पहने. बिकॉज स्टॉकिंग्स पहनने से क्या होता है कि वो एरिया कवर हो जाता है एंड वहाँ पता नहीं चलता है कि दैट आपने वहाँ पे कुछ मेकअप अप्लाई किया है. अब हम बात कर लेते हैं हमारे हैंड्स की एंड हमारे नेक और फेस की. सो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई थी कि किस किस टाइप के मार्क्स हैं जो कि अलाउड नहीं होते हैं एंड वो आप मेकअप करने के बाद भी हाइड नहीं कर सकते, तो उसका वीडियो का लिंक मैं अपने आई बार में दे दूंगी. प्लीज़ आप उस वीडियो को जाके ज़रूर देखिएगा. एंड या सो अभी आपके हैंड्स पे कुछ इस टाइप के अगर मार्क हैं, जैसे कि मेरे यहाँ पर ये एक मार्क है, ये मेरे बचपन से है, ये दो तीन मार्क मेरे बचपन से है. जब मेरा बर्थ हुआ था, जब मैं पैदा हुई थी, ये तब से मेरे मार्क्स हैं. सो ये सारे मार्क्स अगर आप डिक्लेयर करते हो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज़ ये
ऐसी चीज़ है जो कि आप जिस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं था, आप पैदा ही इन मार्क्स के साथ हुए हो. सो कोई भी बर्थ मार्क अगर आपके विजिबल एरिया में है वो आप डिक्लेयर कर सकते हो. अभी हम अगर बात कर ले कोई कट का मार्क है या फिर कोई बर्निंग मार्क है या फिर कोई फेस पे चिकन पॉक्स का मार्क है या कुछ भी है, अगर वो चीज़ हाइड हो सकती है देन आप फेस पे जो चीज़ हाइड हो सकती है उसको आपको डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है. एंड अगर वो नहीं हो रही है हाइड, सपोज़ जब तक वो आपसे पूछे ना तब तक आप उसे डिक्लेयर ना करें. एंड अगर आप करना चाहते हैं, आपसे पूछ रहे हैं कि सपोज़ आपने फेस पे मेकअप लगाया हुआ है बट आपका जो चिकन पॉक्स का मार्क है वो थोड़ा सा दिख रहा है, मतलब कई बार होता है हर किसी का डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है, या फिर आपका कोई भी बर्निंग मार्क है या फिर कोई भी कट है, कुछ भी ऐसा मार्क है या फिर एक्ने या फिर जिस भी चीज़ का वो मार्क है, अगर मेकअप करने के बाद भी वो विजिबल है एंड आपसे जो इंटरव्यूअर है वो पूछ रहे कि किस टाइप का मार्क है, सो उस टाइम आप उस चीज़ को डिक्लेयर कर दें. एंड आई विल सजेस्ट कुछ भी झूठ ना बोलें कि ये मेरा ऐसा है, क्योंकि वो पूछ रहे हैं तो उनका नोट, मतलब उन्होंने उस जगह पर नोटिस किया है, दैट्स वाई उन्होंने आपसे पूछा उस चीज़ को. सो अगर कुछ भी ऐसा मार्क है जिसके बारे में वो पूछ रहे हैं उस चीज़ को डिक्लेयर कर दें. एंड अगर बाई चांस एयरलाइन आपको ये बोलते हैं कि अगर आपके बॉडी में कोई मार्क है आप डिक्लेयर करना चाहते हो, सो अगर आपको लगता है कि आपके बॉडी में, आपके हैंड्स एरिया में या फिर नेक या फेस एरिया में कोई ऐसा मार्क या फिर स्कार है जो कि आप हाइड नहीं कर पा रहे हो, आप उसको डिक्लेयर कर दो. बिकॉज ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको यू नो एयरलाइन में सेलेक्ट होने के बाद भी वो आपके बॉडी में रहेंगे, ऐसा नहीं है कि वो चली जाएंगे. सो बाद में अगर कोई देखेगा तो वो प्रॉब्लम क्रिएट होगी. इट्स बेटर कि आप पहले से ही उस चीज़ को डिक्लेयर कर दो. अभी मेरे से काफ़ी लोग पूछते हैं टैटू क्या इंक्लूड होता है स्कार और मार्क में. सो यस गाइस, टैटू भी एक इस चीज़ का एक पार्ट है जो कि अलाउड नहीं होता है. एंड टैटू इज़ समथिंग जिसको आप नहीं हाइड कर सकते हो, चाहे वो हाइड भी हो रहा हो देन ऑल्सो यू आर नॉट एट ऑल अलाउड टू हाइड एनी टैटू ऑन योर बॉडी विच इज़ लाइक ऑन योर विजिबल पार्ट. सो उसको भी हाइड ना करें, बिकॉज टैटू रिमूव कराने के बाद भी एक स्कार छूट जाता है. एंड टैटू है तो इट्स नॉट एट ऑल अलाउड. आपके हैंड एरिया पे, नेक एंड लेग्स पे, कहीं पे भी विजिबल पार्ट पे टैटू है, सो इट्स नॉट एट ऑल अलाउड इन एयरलाइन जॉब. बट गाइज, अगर आपके बॉडी पे कोई भी ऐसा मार्क है और या स्कार है जो कि मेकअप से अच्छे से कवर करने के बाद, कंसील करने के बाद कवर हो जाता है, इट्स नॉट विजिबल, देन यू आर टोटली गुड टू गो. यू डोंट हैव टू डिक्लेयर इट टू द इंटरव्यूअर दैट आई हैव दिस मार्क एंड आई हैव अप्लाइड मेकअप ऑन इट. एंड अगर कोई भी ऐसा स्कार और मार्क है जिस पर आपने मेकअप लगा के हाइड किया है, कभी इंटरव्यूअर के सामने उस चीज़ को कन्फ्रंट मत करना कि मैंने इसको मेकअप लगा के हाइड किया है या फिर मेरा ये मार्क है मैं इसको हाइड कर लूँगी जैसे मैंने ये वाला मार्क हाइड किया है, क्योंकि इससे क्या होगा ना, इससे आपके लिए प्रॉब्लम होगी. सो यही कुछ चीज़ें हैं मैं जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी, बिकॉज ये एक ऐसी चीज़ है ना, सबके बॉडी में कोई ना कोई मार्क रहता है, क्योंकि हम लोग छोटे होते हैं तो हमें नहीं पता रहता कि हमें आगे जाके अपने करियर में क्या करना है. सो इट्स समथिंग जिसके बारे में किसी को नहीं पता रहता, बट आई थॉट ऑफ मेकिंग वीडियो ऑन दिस, बिकॉज इससे क्या होता है कि आपके अंदर एक थोड़ा सा मोटिवेशन आता है, आपके अंदर एक थोड़ा सा ना यू नो आप थोड़े से रिलैक्स हो जाते हो कि येस मेरे तरह और भी लोग हैं जिनके बॉडी पे ऐसे मार्क हैं. सो इट्स फाइन, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है. एंड सो या गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप यू गाइज लाइक एंड फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव. इफ येस देन डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. एंड if you are new to my channel, make sure that you subscribe and hit the bell icon. So here's my Instagram handle, please go and follow me there. So that's all for today. Now I'll see you guys in my next video. Till then, bye and take care. Bye bye.